सो है व्हाट्सअप गेमर गैंग के लोगों, कैसे हो सब? आई होप सब जल से कर रहे हो। तो गाइज आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ये वाला पीसी जो कि अभी रिसेंटली हमने बिल्ड किया है हमारे एक सब्सक्राइबर के लिए। तो यार इसके लिए ये वीडियो बहुत खास है। अब ये वाला जो पीसी होने वाला है ये चीपेस्ट पॉसिबल गेमिंग स्लैश एडिटिंग स्लैश स्ट्रीमिंग, मतलब कि आप तीनों काम इस पीसी पे कर सकते हो। और ये वाला पीसी हमने बिल्ड किया है हमारे सब्सक्राइबर के लिए जो कि है आसाम से। तो बंटी भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो पहली बात तो यार थैंक यू हम पे ट्रस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी तक हमने यार साइट भी स्टार्ट नहीं की है फिर भी यार कई लोगों ने हम पे ट्रस्ट करके अपना ऑर्डर दिया है। तो यार आप सभी को धन्यवाद। So without wasting any more time, let's roll the intro. सो गाइज अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हो, आपको इंटरेस्ट है पीसी रिलेटेड कंटेंट में, तो भाई फटाफट से चैनल को कर लो सब्सक्राइब या सब्सक्राइब बटन दबा के और इस बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबा देना, ताकि फ्यूचर में जो भी लेटेस्ट वीडियो डालूं उसको आप मिस ना कर पाओ। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि इस पीसी में क्या क्या चीजें हमने यूज की है और ये पीसी एक्चुअल में कैसा परफॉर्म करता है। आपको मिलेंगे इस पीसी के फुल बेंचमार्क्स, तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो को स्टार्टिंग में बताया है कि यार ये चीपेस्ट पॉसिबल गेमिंग स्लैश एडिटिंग स्लैश स्ट्रीमिंग पीसी होने वाला है। तो अगर आपको एक सस्ते में हेक्सा कोर यानी 6 कोर वाला सीपीयू चाहिए तो आपके पास एक ही ऑप्शन है जो है राइजन 5 1600। तो इसके लिए हमने इस वाले बिल्ड में जो सीपीयू यूज किया है वो राइजन 5 1600 है। नाउ इस सीपीयू में आपको 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स देखने मिल जाते हैं। इसकी बेस फ्रीक्वेंसी है 3.2 गीगाहर्ट्ज और इसमें आपको 3.6 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट देखने मिल जाती है। 19 MB की आपको कैश ऑफर करवा देता है और इस सीपीयू में आपको साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग भी एनेबल देखने मिल जाती है। तो ओवरऑल एक बढ़िया सा हेक्सा कोर सीपीयू है ये। अब ये वाला जो सीपीयू है ये आपको 8500 से लेके 9000 रुपीज में आराम से मिल जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से आप खरीद सकते हो। अब इस वाले सीपीयू के लिए हमने जो मदरबोर्ड चूज किया है वो आता है गीगाबाइट की तरफ, गीगाबाइट B450M DSH3 मदरबोर्ड। अब ये B450 का एक बजट कैटेगरी का मदरबोर्ड है। इस मदरबोर्ड में आपको RGB फ्यूजन का भी सपोर्ट देखने मिल जाता है, जिसमें कि आप अपनी RGB कंट्रोल कर सकते हो। साथ में यहाँ पे आपको 4 RAM स्लॉट्स देखने मिल जाते हैं, आपको SSD का स्लॉट देखने मिल जाता है। तो ओवरऑल एक एंट्री लेवल का B450 मदरबोर्ड है। अब ये वाला मदरबोर्ड भी आपको आराम से 7000 रुपीज से लेके 7500 रुपीज तक आराम से मिल जाता है। सो गाइज हमने इस बिल्ड के लिए जो GPU लिया है वो है RX 570 विंड फोर्स एडिशन। नाउ इसमें भी आपको थोड़ी बहुत RGB देखने मिल जाती है, RGB एडिशन है और ये वाला GPU ऑफर करता है आपको 4GB की VRAM। यहाँ पे आपको DirectX 12 का सपोर्ट भी देखने मिल जाता है। नाउ ये वाला जो GPU है ये वाला GPU कैपेबल है आपको आराम से 1080p पे गेमिंग करवाने के लिए, और ये वाला GPU आप आराम से 12000 से लेके 12500 रुपीज में परचेस कर सकते हो। सो गाइज यहाँ पे हमने 8 GB की 2-stick RAM लगाई है जो आता है XPG की तरफ से गेमिंग सीरीज की RAM। नाउ ये वाला रैम 3200 MHz पे क्लॉक है एंड ये वाला रैम मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इसका जो लुक है ना वो थोड़ा अच्छा लगा मुझे इन कम्पेयर टू कॉर्सेयर वाले रैम से। और ये वाला रैम आपको ऑलमोस्ट सिंगल स्टिक 3500 रुपीज के आसपास मिल जाता है, तो दोनों की प्राइस आपको 7000 रुपीज पड़ेगी। एंड गाइस 3200 MHz मोर देन इनफ रहने वाले हैं इस बिल्ड के लिए। सो गाइस इस वाले बिल्ड में स्टोरेज के लिए हमने इसमें 120 GB का एक SSD लगाया है जो कि लाइट ऑन की तरफ से आता है। नाउ इसमें आपको 3 ईयर की ऑन साइट वारंटी मिल जाती है और एक डिसेंट क्वालिटी की SSD है एंड अलिया आपड़ा त्या तो ऑनलाइन मार्केट में भाई बहुत हाल है SSD। और गाइस ज़्यादा स्टोरेज के लिए इस बिल्ड में हमने लगाया है एक 1 TB की हार्ड ड्राइव जो कि आती है WD की तरफ से। एंड जब भी आप हार्ड ड्राइव लो तो यार मेक श्योर कि आप चेक कर लो जो आपकी हार्ड ड्राइव हो 7200 RPM वाली हार्ड ड्राइव हो, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट हो अगर आप उसको कंपेयर कर रहे हो 5400 RPM वाली हार्ड ड्राइव से। तो ये वाली जो हार्ड ड्राइव है ना इसकी प्राइस आपको आराम से 3500 रुपीज के आसपास मिल जाती है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही जगह। सो हमने बंटी भाई को 120 GB वाली SSD पे इनकी विंडोज को इंस्टॉल करके दे दिया है एंड 1 TB में यार जो गेम्स वेम्स इनको चाहिए थे वो इंस्टॉल कर दिए हैं और डायरेक्ट भाई को PC मिलेगा और भाई एकदम मस्त ऐसे जलसे करने वाले हैं गेम्स के साथ। अब PSU के लिए हमने इस वाले बिल्ड में Entek का एटम V550W का PSU लगाया है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो दिख ही रहा होगा। अब ये वाले PSU में आपको ब्रीडेड केबल्स मिल जाते हैं। ये वाला PSU एक एंट्री लेवल का 550W का PSU है जो कि आप आज के टाइम पे खरीद सकते हो। अगर आपको बाई करना है तो लिंक आपको नीचे अमेजोन में मिल जाएगी। लास्टली कैबिनेट के बारे में आप लोगों को क्या बताऊं, कैबिनेट तो आपने देख ही लिया है। ये है चिप्रोनिक्स का MX3 जो कि एक बजट सेगमेंट का कैबिनेट है, ठीक ठाक से लुक्स आपको ऑफर करवा देता है। आपको साइड में टेम्पर्ड ग्लास मिल जाता है, 120 mm का आपको रियर में एग्जॉस्ट के लिए फैन देखने मिल जाता है। इसमें आपको PSU श्राउड देखने मिल जाता है, हालांकि PSU श्राउड में थोड़ा सा आपको कटआउट देखने मिल जाता है। और यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे एंटी डस्ट फिल्टर भी देखने मिल जाएगा, आपको नीचे भी एक एंटी डस्ट फिल्टर देखने मिलेगा और फ्रंट में यहाँ पे RGB स्ट्रिप भी आपको देखने मिल जाएगी जो कि ओवरऑल कैबिनेट के लुक को थोड़ा सा एनहांस कर देती है।
और फ्रंट आईओ पैनल की बात करें तो यहाँ पे आपको एक एलईडी बटन की स्विच भी देखने मिल जाती है, जिसके थ्रू आप ये आरजीबी को कंट्रोल भी कर सकते हो। कुछ आपको मोड्स देखने मिलते हैं जिनमें आप साइकिल कर सकते हो। और बात करें यूएसबी पोर्ट्स की, तो आपको एक 3.0 का यूएसबी पोर्ट देखने मिल जाता है और दो पोर्ट आपको 2.0 के देखने मिलते हैं। और वहीं पे आपको एक 3.5mm का जैक देखने मिल जाता है और माइक का पोर्ट भी आपको ऊपर ही देखने मिल जाता है। एंड ओवरऑल बात करूं एयर फ्लो के बारे में, तो इस वाले कैबिनेट का मुझे प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ठीक ठाक सा एयर फ्लो लगा है, क्योंकि यहाँ पे आपको पीछे के साइड एक ही साइड एयर वेंट देखने मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट में ये लोगों ने ARGB स्ट्रिप लगा दिया है, तो इस साइड आपको कोई एयर वेंट्स देखने नहीं मिलेगा, एक ही साइड आपको एयर वेंट्स देखने मिलेगा। तो यहाँ पे आप एक ऊपर की तरफ अपनी हार्ड ड्राइव लगा सकते हो और एक हार्ड ड्राइव नीचे की तरफ लगा सकते हो। और बात करें SSD की, तो यहाँ पे आपको SSD माउंट करने के लिए यहाँ पे कुछ स्पेस देखने मिल जाता है खाली, तो यहाँ पे आप अपनी SSD आराम से माउंट कर सकते हो, जैसा कि अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे मैंने लगा रखा है। तो ओवरऑल इस केस के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप आज के टाइम पे 2500 रुपए के अंदर कोई कैबिनेट खरीदना चाहते हो तो ये वाला कैबिनेट आप आराम से खरीद सकते हो। काफी अच्छा कैबिनेट लगा मुझे, डिसेंट सी बिल्ड क्वालिटी भी है प्राइस के हिसाब से। और कॉन्स की बात करें तो यहाँ पे मुझे एक ही चीज बुरी लगी है, ये जो इसका 120mm का फैन है एग्जॉस्ट के लिए, ये थोड़ा सा ज्यादा नॉइस करता है एज कम्पेयर टू अदर फैंस, तो आप ये देख लेना। तो बस गाइस ये थे बंटी भाई के सारे PC स्पेक्स, और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि कैसे लगे। और आगे वीडियो में मैं आप लोगों को फटाफट से दिखा देता हूँ बेंचमार्क्स कि ये वाला PC कैसा परफॉर्म करता है। तो ये रहे बेंचमार्क्स आपके स्क्रीन पे। мы все еще не знаем, кто стоит за местным отрядом Trinity. Но я поговорил с жителями города, и они все ждут какую-то очень важную персону на день мертвых. Его зовут Домингес. Надо этим заняться. Иона, я на месте. Иду внутрь. Уже рядом. Прости, что я тебя не дождалась. Лара! Ого! Ты только посмотри! Не зря сидели, гадали. Ясно, что нужно Тринити. Да, они старались нас сюда не пустить. Спасибо за меткам твоего отца. Я видел то место, где произошел обвал. Давай, я смотрю твою рану. Нет, я в порядке. Что это такое? Созвездие. Это надпись. Это какая-то загадка. Розовая рыба. Розовая рыба? Гора с серебряной верхушкой. Тут есть дата, но... Что-то странное. Она, кажется, повреждена. Может, умышленно. С какой стати Тринити это делать? Проще все уничтожить. Это сделали задолго до них. Но зачем ее испортили? Лара? Нужно бежать отсюда! Лара! Нет, я должна снять! Бежим! Ну же! Ну же! Быстрей! Давай! Не вытащи ты меня, я бы до сих пор внутри фоткала. Внутри, это точно. Но вряд ли бы что-то делал. Иона. Эй,
Хочешь освежиться? Встретимся у кафе. Доктор Домингес вечером там будет. Годится. Подумаю над загадкой, как с ней связана эта дата. Ясно. Розовая рыба. Monitor your progress from a safe distance. The road is walled off. Can you gate over it? Okay. Where to now? Those lights across the valley? Head towards them. That's a big tower. Espinosa promises it will change the world. No more tornadoes or hurricanes.
And most of Solis believes him. Project Iapa won't be a problem after today, Mira. If your plan works. It will work. Made it. Bueno. Follow that piping. You're gonna come face to face with the Black Hand. We've come face to face before. Heading up. Too happy to have me poking around. The Black Hand are highly trained mercs, and they're wholly owned by Espinosa. His own private army. Pretty good one, too. Not good enough. Hostile hasn't re-engaged. No sweat. Lost contact with enemy. Regroup. Project Iapa. Rico, there's a console further up the structure. Not sure how I'll figure it out. Come in, you have an intruder on site. Copy on hostile contact. सो गाइस बेंचमार्क्स देख ही लिया आप लोगों ने, अब आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो भाई ऐसे वीडियोस के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आज के वीडियो का जो लाइक है वो है 2000 लाइक्स, तो आई होप कि आप लोग पूरा करवा दोगे। एंड थैंक यू गाइस, क्योंकि हमारे जल्दी ही 40,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले, फटाफट से यार 50,000 करवा दो, उसके बाद भाई रोड टू 100 के, उसके बाद करेंगे एकदम मस्त ऐसे बड़ा सा गिव अवे। तो बस गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मैं विवेक मिलूंगा आपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए दिन किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, मचाते रहो।